स्वतंत्र प्रसंग को स्वागत कर जी मुआलो मुसुवलखनी आइन सुखळा ओलोकों को सुरक्षा दे पाई रहची सरकार को पुलिस भाई को हेले वर्तमान परिस्थिति रे पुलिस रो संख्या बदल जाइछि सुरक्षा देवा बदल रे साधारण लोगों को ऊपर जुलुम करूची पुलिस साधारण खटिकिया मन को ऊपर खाकी रो प्रादुर्भाव दिनो दिनो बढी चलिछि जहां कि सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर थाना अंचल रे घटितिवा घटना स्पष्ट करूची वीर महाराजपुर पुलिस प्रशासन रो जणे दबंगगिरी दबंगगिरी पुलिस कर्मचारी जार ना कि विजय कुमार बारिक से पूरा दादागिरी रे इने बोटी आदा करूछन जे बोटी नै दबा ताके पीटू जों जबरदस्ती पर्टिकुलर से गोटे लोक परे तांको लागि आक्रोश आजि उठि जों पूरा बहुत लोक हमर सहयोग करूछन ताको धन्यवाद आर हमर दाबी लागि हिने अछु आर दाबी लास्ट तक रहबा इने से आसबे क्षमा मांगबे तार संगे संगे हमर दाबी रहू जे से विजय कुमार बारिक इ जागर ताहु निकला जाऊ इने नै ताहु नै रखा जाय घटना काहे जे सुनो ना गया गुटे स्वल्प व्यवसायी बरा पगड़ी छानु जे तार निके गले इमाने पिटी पिटा पुटी करिए से तेल करे तार दिहे पुड़ी जाइछे टोटल पूरा माने अंटारु तोलके पूरा पुड़ी जाइछे बुल्लारु वर्तमान से रिटर्न करिछे आर हमर दाबी इटा रहू जे तार उचित क्षतिपूरण पूरा जिते मास विषय हवा तार परिवार चलबे केंदी गिरी तार इलाज केंदी गिरी हवा टोटल भरण पोषण सरकार करबे पुलिस रो जुलुम पाई जरे निरीह उठा दुकानी डाक्टर खाना रे एवे मृत्यु सह संक्रम करछि सुदाम विश्व एक गरीब पिला सुवर्णपुर जिला वीरमहाराजपुर रे एक उठा दुकान करी बोरा पकुड़ी बिकी निजर गुजरान मेंटंती किछि मास हला कोरोना कटकणा जबु व्यापार बणजो ठप होतिला एबे कोहळ मेला परे पूनी दुकान खोली व्यापार आरंभ करथिले हेले दैव सहिलानी गत 4 तारिख रे वीरमहाराजपुर थाना रो पेट्रोलिंग गाड़ी आसी सुदाम को ठेला अगरे अटकी थिला गाड़ी रु बाहरी थिले दायित्व रे थिबा एएसआई तथा आत्मघोषित दबंग पुलिस अधिकारी विजय बारी दुकानी टिके भिड़ थिबारु तांको तागिद करथिले पुलिस बाबू ता सह उत्तेजित होई मास्क कांगी पिंधिनाई बोली लाठी रे पिटीथिले ठेलार विभिन्न स्थान रे तेबे लाठी बाजीथिला ततला कड़ई उपरे और ढळी पडीथिला कड़ई टी सुदाम को उपरे सुदाम पोड़ी गरी बोली चित्कार कला बेले पुलिस बाबू गाड़ी रे छू मारिथिले सेठा तेबे एठारे प्रश्न उठुछि पुलिस रो कोन मानवीयता किछि नाही जणे ततला तेल कड़ई बोली छटपड़े हेतुवा बेले पुलिस से स्थान रु पळाइला किपरि आमे बोरा करि करि चलसु आमरा दुकान पुलिस वाला माने लॉकडाउन रे आसीबडी आम दुकान तेल रु छापी दे जा धारी दे दे जा पुलिस वाला को रह बोले भी नाही रहले कि सहाय भी नाही करले पळले सेनो हॉस्पिटल को गलु भी सेनो 10 मिनट भी अबे कि नाही देखले भी डॉक्टर माने किछि मलम दे करि बटे देले सांगे सांगे तबे केनता काना आछ ए तो पूरा से माने देखी भी ना है बाकी ये तो कोस्टो पावे चौन जोड़ू जी ताको दिखो सारा कहना कौन है तारा विश्राम आज्ञा से दबंगगिरी देखा से एस आई विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान लगे दाबी कर देखुन ये गरीब परिवार से मैंने ठेला बिकिकी बरा बिकुले कि से जगह जाके दबंगगिरी देखा तेल कड़े बाड़ी देकर पिटिकी से जगह से क्षत्याक्त हो बहुत पुड़ी जा जगह छाड़ी से थाना बाबू जनक से जो एस आई जनक पलाले हस्पिटाल नाई ने इन गरीब परिवार उपर ये अत्याचार चलती आम थाना उपर भरसा करुँ आमको रक्षक बोले भक्षक साज बटा ठीक ना कि आज मुझे दाबी करुचे गरीब परिवार उपर अन्या कर किंतु सरकारी कर्मचारी मैंने गोटे गोटे जगार अच्छे बहुत जनगहली कर नाट करुन कि दृढ़ कार्यानुषान नहीं ग्रहण करी पाई दाबी कर दबंगगिरी जो अफिसर अच्छे से जनक विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुषान कराऊ निलंबन करीब परिवार को क्षतिपूरण दि जाऊ इटा दाबी ना आगामी दिन में गायत्री पाणी इन आमरण अनशन खबर के भी प्रस्तुत अच्छे घटना के जेन हिसाब से देखु गोटे बरा छानुजे पर पोषुचे पेट पोषवार लोक जी पुलिस आसिकी जुलूम करी पिटी मारिकी तेल कड़ई ढली जाइए तार जी क्षतिपूरण किसी देवार लगे पुलिस भी चिंता ना करवार कि सब कलेक्टर भी चिंता ना करवार कि कलेक्टर कि एसपी भी कौन सी लोक चिंता ना करवार ताहले से केनु बचवा केमती बचवा तार मेडिसिन लगे खर्च केनु आसवा इहाँ 6 मास से उठी ना पारे किंतु से खर्च लगे आम चाहूँ जे मैंने सरकार आमर के किसी तार उपकार केमती करे आम से आमर विचार रखीचु आटा ही चाहूँ तार से केमती भल हवा केमती जल्दी सुस्थ हे
ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ପୁଲିସ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଦେଇଛୁ, ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବଣିଜ ସଂଘ ବୀରମାରାଜପୁରର। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲାଗି ବଣିଜ ସଂଘ ବାହାରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହାକୁ? ଦିନକୁ ଦିନ ପୋଲିସ କଠୋର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବନି? ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁଦାମ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତକାଲି ଯେମିତି ତେଲ ପୋଡ଼ିକିରି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତା ଉପରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ବୀରମରାଜପୁର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 68323 ଦଫା IPC ଦଫାରେ, ଆଉ କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର IC ନିଜେ, ଯାହାଟା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କେସ୍ ତ ପୋଲିସ ଆମ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାରିକ ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟିରେ, ସେଟା ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଏବେ ରାଉରକେଲା IGHରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ବୀରମହାରାଜପୁର ହୋଇଚଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବୀରମହାରାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକଟାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ, ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁଦାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ, ଏତଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? କାହା ଚାପରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ASIଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ନେଇ BJP ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ନିରୀହ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ବଣିକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାର ବିରୋଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DSP। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।